हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने यहां पर मेडिकल कॉलेज खोले जाने की घोषणा की थी, जिस पर अब तेज गति से काम शुरू हो चुका है और 2 वर्ष में यह कॉलेज बनकर तैयार हो जाएगा। तकरीबन 550 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस कॉलेज की 4 दीवारी का काम पूरा होने के बाद अब बिल्डिंग का काम भी शुरू कर दिया गया है। तो वहीं इस बिल्डिंग को बनाने का जिम्मा अहलुवालिया कॉन्ट्रैक्टर इंडिया लिमिटेड दिल्ली को दिया गया है। कंपनी के जीएम के अनुसार यहां पर 710 बेड का अस्पताल बनेगा, जबकि 150 बेड का मेडिकल कॉलेज बनेगा, यानी कुल 860 बेड होंगे। उन्होंने बताया कि यह काम दिसंबर 2019 में शुरू किया गया था और इसे 2 वर्ष में पूरा कर लिया जाएगा। तकरीबन 80 एकड़ में बनने वाले इस मेडिकल कॉलेज का काम अब तेज गति से चल रहा है। इसको लेकर ग्रामीणों में खुशी की लहर देखी जा रही है। सर, ये अप्रॉक्स 80 एकर्स का लैंड है और 537 करोड़ का प्रोजेक्ट है ये, जो सिविल इलेक्ट्रिकल एचवीएसी सिस्टम हमारे पार्ट पे है। हम अहलुवालिया कॉन्ट्रैक्ट इंडिया लिमिटेड से हैं और ये दिल्ली बेस्ड कंपनी है। 24 मंथ्स का ये प्रोजेक्ट है। नाम बताओ। मेरा नाम जी अंजुला है। अंजुला है। अंजुला। हाँ जी। अंजुला जी, कोरियावास में मेडिकल कॉलेज का काम चल रहा तेज गति से। क्या क्या लाभ मिलेंगे, कैसा लग रहा है? इससे जी हमारे बच्चों का भविष्य बहुत अच्छा बनेगा। हमारे बच्चे पहले डॉक्टर के लिए कहीं कहीं जाते थे, अब यहीं की यहीं उन्हें पूरा बेनिफिट मिलेगा। और मरीजों को दिल्ली जयपुर वगैरह ले जाना पड़ता था, कई मरीज पहुँच भी नहीं पाते थे, लेकिन अब यहाँ की यहाँ सुविधा हो जाएगी और रोजगार मिलेगा। कुछ भी हमारे यहाँ के लोगों को मिलेगा, मजदूर लोगों को अच्छा काम मिल जाएगा। और बताओ, इससे काफ़ी खुश आप? बिल्कुल जी, 100%। हाँ जी, मैं कंवर बहान जेलदार कोरियावास से। ये जो यहाँ मेडिकल कॉलेज का काम हो रहा है, इससे बहुत ही अच्छी बात है। हमारे बच्चों को रोज़गार मिलेगा, नए नए जैसे दुकान भी खोल सकता है, कोई होटल खोल सकता है, किसी को जैसे मेडिकल शॉप पे कारोबार मिलेगा। और सबसे बड़ी दिक्कत थी यहाँ की, यहाँ से कोई मरीज़ वगैरह को लेके जाते थे, कभी रोहतक लेके जाते थे, कभी दिल्ली लेके जाते थे, कभी जयपुर लेके जाते थे, तो आधी बार तो मरीज रास्ते में ही मर लेता था। और इसलिए ये पूरे इलाके को बहुत ज़्यादा खुशी है कि यहाँ मेडिकल कॉलेज बनने से सारी सुविधा यहीं की मिलेगी। और हम मतलब इसके सरकार के और सबके इसके बहुत शुक्रगुजार हैं कि हमारे इलाके में इतना बढ़िया ये काम हो रहा है। धन्यवाद।